राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कई प्रकरणों का आसानी से निपटारा होता है, कम समय में अधिक केसों का निराकरण होता है। इस वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने कहा कि लोक अदालतों में परिवारों के मैटर का निपटारा होता है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। न्यायालयों में वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय भोपाल, सिविल न्यायालय बलसिया सहित श्रम न्यायालयों और पुलिस परामर्श केंद्रों में हो रही है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे दुर्घटना मुआवजा केस, दीवानी प्रकरण, विद्युत प्रकरण, चेक अनादरण के मामले, पारिवारिक विवाद, भू अर्जन संबंधी विवाद, श्रम प्रकरण, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सेवा संबंधी मामले, जिला न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्री लिटिगेशन मामले आदि को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकृत करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह नगर निगम द्वारा भी संपत्ति कर, जल कर आदि के संबंध में न्यायालयों में चल रही प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में विशेष छूट दी जा रही है। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल की गिरिबाला सिंह ने कहा कि यह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। लोक अदालत में 61 बेंचेस हैं, 48 रेगुलर सिविल कोर्ट के साथ ही फैमिली और लेबर कोर्ट भी हैं। उन्होंने कहा लोक अदालतों से समय संसाधन बचता है, इसमें प्रकरण के निराकरण के बाद अपील का प्रावधान नहीं है। लोक अदालतों में कई तरह के प्रकरणों का हल निकलता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा केस नगर निगम के विवाद के होते हैं। लोक अदालतों में परिवार का मैटर निपटता है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है। पिछले 3 बार भोपाल अग्रणी रहा है पूरे प्रदेश भर में, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के स्नेह और लोगों के विश्वास से हम फिर भी सबसे अधिक मैटर्स को निपटाएंगे। लोक अदालत की हमारी 61 बेंचेस हैं, जिसमें 48 रेगुलर सिविल कोर्ट की हैं, बाकी कुछ 4 फैमिली कोर्ट की हैं, कुछ लेबर कोर्ट के हैं, प्री लिटिगेशन की बेंच है, और लगभग हमारे टोटल जो मैटर्स 48,000 करीब प्री लिटिगेशन के रखे गए हैं, 23,000 करीब कोर्ट रेफर्ड मैटर्स हैं। बहुत सारा अथक प्रयास हुआ है, और मैं देखती हूँ कि पक्षकारों ने बहुत गर्मजोशी से अंगीकृत किया है प्री लिटिगेशन, प्री सेटलमेंट में भी। इससे समय बचता है, संसाधन बचता है, अपील का कोई प्रावधान नहीं है, और फाइनलिटी होती है, तो इट्स अ विन विन सॉल्यूशन, सभी के लिए जीत की स्थिति निर्मित होती है, कोर्ट फीस की भी वापसी होती है, और परस्पर भाईचारा और सामंजस्य भी समाज में निर्मित होता है। सी देखिए, वैसे संख्यात्मक रूप से देखें तो हम ये जो नगर निगम के विवाद हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो प्री लिटिगेशन में रहते हैं। यदि इनको प्री लिटिगेशन में नहीं सेटल किया जाता तो फुल फ्लेज्ड कोर्ट में आते एक विवाद की स्थिति को लेकर। इनके सेटलमेंट हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को बहुत राहत मिलती है, लेकिन जो बहुत गूढ़ विषय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम सोचें समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, तो परिवार का जब निपटता है मैटर, तो वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। इससे पहले राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में प्रदर्शनी सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल गिरिबाला सिंह के साथ विशेष न्यायाधीश कमल जोशी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव SPS बुंदेला, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष PC कोठारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह मौजूद रहे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।